गुड इवनिंग एंड वेलकम टू दिस सिक्स्थ एपिसोड ऑफ जब कोई बात बिगड़ जाए. सर गुड इवनिंग एंड वेलकम टू दिस शो वंस अगेन. हेलो गुड इवनिंग सपना. गुड इवनिंग ऑल. गुड इवनिंग सर. वी हैव अगेन इंटरनेट इश्यूज टुडे. यस सपना. लेट अस होप दैट दैट वी कैन एक्चुअली डू अ कंप्लीट शो बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरनेट इश्यू टुडे. So friends, today's topic is understanding and sustaining. Good evening, you are audible to me. Yes, sir. Good evening. Today's topic is understanding and sustaining the pain of breakup. We thought that it is important to talk about this one topic, which is, I guess, affecting everyone in some way or the other. When we talk about breakup, it actually feels like usually we talk about either a husband-wife relationship breakup or a girlfriend-boyfriend relationship breakup. But breakups are happening everywhere. Friends break up. There's a breakup with the employee also. So different kinds of breakups are happening in almost everyone's life in some form or the other. So we thought that let us talk about understanding this pain. Because pain is something which stays with us. And most of the time, it is the pain which makes us go through all other emotions along with it. So let us talk about this pain. And to begin with, sir, this is an emotional pain. How would you describe it? What is an emotional pain? See, Sapna, what happens? We come in contact with people around us. As a child is born, he gets connected to a lot of individuals. One of the person is mother, the other is father, uncle, auntie, kitne sare grandfather, grandmother, bahut sare rishte ek hi samay taiyar ho jate hain. Aur rishton ki khasiyat hai, rishte taiyar to hote hain aur jo taiyar hota hai wo tootne ki bhi sambhavna banti hai. Aur jo bhi cheez tootti hai uska dard to hota hai. और वो दर्द जो होता है, जिसको तुमने इमोशनल पेन कहा, उसको मैं ट्रॉमा कहता हूँ. पेन इज मोर फिजिकल इन नेचर, ट्रॉमा इज मोर साइकोलॉजिकल इमोशनल इन नेचर. सो ट्रॉमा इज अ प्रोसेस्ड इमोशनल पेन. बट आई मीन इन द ट्रॉमा देर इज अ परसेप्शन. परसेप्शन क्रिएट्स अ साइकोलॉजिकल पेन. ऑफकोर्स आई एम टॉकिंग राइट नाउ फिलोसॉफिकल, बिकॉज द फिलोसॉफी सेज व्हाट एवर इज क्रिएटेड इन दिस मटेरियल वर्ल्ड through the emotionality has to end somewhere. Generally relationship ends, we expect relationship to end by death. मृत्यु होने से रिश्ता खत्म होता है ऐसा मानते हैं, पर सही में देखा जाए तो मृत्यु होने से रिश्ता खत्म नहीं होता, व्यक्ति खत्म होता है. और दुख तब होता है जब व्यक्ति जिंदा है और रिश्ता खत्म होता है, जिसको आप अभी ब्रेकअप कह रही हो. तो ब्रेकअप इज अ फिनोमेना वेयर अ पर्सन आउटलिव्स द रिलेशनशिप. जनरली रिलेशनशिप आउटलिव्स द पर्सन. मतलब एक विधवा होती है, विडो और विडोर होता है, वो अपने स्पाउस की यादों के भरोसे भी आनंद से जी सकता है. और जबकि मेरा कोई करीबी दोस्त हो, भाई हो, या जो भी रिश्ता टूटता है, जबकि वो व्यक्ति जिंदा है, घूम रहा है, मेरे समीप ही है, कहीं दिखता है, और उसको देखता हूँ तो मुझे दर्द होता है. और ये साइकोलॉजिकल दर्द, जिसको मैं ट्रॉमा कहता हूँ, ये अविभाज्य घटक है, हमारे अविभाज्य हिस्सा है हमारे जीने का. क्योंकि हमने इसको कैसे बियर करना ये सिखाई नहीं है. सपना, मैं तो इस तरीके से देख रहा हूँ. सर हम तो जानते हैं कि दिस इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स लाइफ. ऐसा नहीं होता है कि हर समय खुशी खुशी होती रहे. पेन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ. लेकिन जब 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 किसी का ब्रेकअप होता है सर, उस समय उसको ये समझाने से उसका शायद काम नहीं बनता है कि ये तो एसेंशियल है, पेन तो होना ही है. मेरे ख्याल से ऐसा अगर हम किसी को बताएंगे तो शायद उनको हमारा गुस्सा ज्यादा आएगा कि ये कहना आसान बात है लेकिन जाकर देखो ये ट्रॉमा टॉलरेट करना इज व्हाट इज मोर डिफिकल्ट. तो इसीलिए मुझे लगता है कि लेट अस टॉक मोर इन डिटेल्स अबाउट पेन. कि जैसे हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो एक नॉर्मल व्यक्ति जिसको उस समय फिलोसॉफी नहीं समझ में आती, उसको स्पिरिचुअलिटी भी नहीं समझ में आती, उसको केवल दर्द हो रहा है, तो अगर हम इस दर्द को थोड़ा और डीपर वे में समझने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि हम जैसे और बहुत सारे जो नॉर्मल लोग हैं वो अपने पेन को ओवरकम करने में शायद थोड़ी बहुत उनको हेल्प हो सके. तो थोड़ा सा वो एंगल पे हम समझने की इसको कोशिश कर सकते. तो जैसा आपने कहा सर, पेन जो है ये इमोशनल पेन, फिजिकल बॉडी में कहीं दर्द नहीं है,
बट वी हैव ऑल गॉन थ्रू सम फॉर्म ऑफ इमोशनल पेन, और मुझे लगता है कि इमोशनल पेन की इंटेंसिटी शायद फिजिकल पेन से ज्यादा है. और फिजिकल पेन को मुझे लगता है कि दवाई है, उसको आप कम कर सकते हो, आप उसको सप्रेस कर सकते हो. इमोशनल पेन की कोई दवाई नहीं है. देखिए ये इमोशनल पेन सपना इस तरीके से होता है, जो अगर रिश्ते के टूटने से, जो ब्रेकअप के पेन की बात हम कर रहे हैं अभी, तो ब्रेकअप होता है तो आवाज नहीं आती है बाहर, दुनिया को बताने में भी दिक्कत होती है, समझाने में भी असुविधा होती है, और हमें भी समझने में पूरी क्लैरिटी नहीं रहती है, और बताना भी दर्द है और ना बताना भी दर्द है, इस तरीके के दर्द से हम गुजरते हैं. शुरुआत में तो जब ब्रेकअप होता है तो एक थोड़ा नमनेस आता है, मतलब कुछ पल के लिए तो समझ में नहीं आता है कि ये कैसा हुआ, कभी एक बुरा सपना देखने का एहसास होता है, पर कई बार ऐसा होता है कि ब्रेकअप टेक्स अ पीरियड, मतलब एक समय पे वो चलते रहता है, तो ऐसे समय अगर ब्रेकअप होने के पहले बहुत पेन आ गया है तो ब्रेकअप से थोड़ा रिलीफ भी होने की संभावना बनती है, मतलब देयर कुड बी अ टेम्पररी सेंस ऑफ रिलीफ एज द ब्रेकअप इज डन, द सीवियरिंग हैज हैपन, टूट गया है तो शायद थोड़ी सी राहत की सांस लेने की संभावना बनती है. तो अभी टूटने के दो प्रकार है, एक जैसा एब्रप्ट एंड हो सकता है, या वन समथिंग विच इज प्रोलॉन्ग्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो ड्यूरिंग दिस प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ सीवियर ऑफ पेन, बिकॉज दैट पीरियड ऑफ सीवियरिंग इटसेल्फ इज इट इज अ लॉट ऑफ अनसर्जिकल थिंग्स हैपनिंग दैट टाइम. तो ऐसे समय शायद सीवियरिंग जब होता है एक्चुअल, डाइवर्स हो जाए या रिश्ता टूट जाए या जो भी कुछ आपने ऐलान कर दिया कि आज से तुम मर गए, खत्म हो गया, जो भी कुछ बोल दिया, तो शायद टेम्पररी राहत हो सकती है. और पेन में ये जो ब्रेकअप का पेन है सपना, जहां तक मैं देखता हूँ तो जनरली दिस इज वॉट माई परसेप्शन, आई कुड बी रॉन्ग, जनरली बोथ द पर्सन आर नॉट ऑफ द सेम प्लेन. There is one person who is a beneficiary of the breakup, and there is a one person who is the culprit in this breakup. मैं ऐसा देखता हूँ, मतलब दोनों व्यक्ति चाहते हैं कि मेरा ब्रेकअप हो जाए, और बड़ा म्यूचुअल एग्रीमेंट से ब्रेकअप हो जाए, तो उसमें दोनों का पेन नहीं रहेगा. मतलब जहाँ म्यूचुअल कंसेंट है, म्यूचुअल एप्रिसिएशन है, म्यूचुअल कंसिडरेशन है, दोनों एक पेज पे आ गए, एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं और ब्रेकअप हो गया है, तो मैं समझता हूँ वो इतना इमोशनल ट्रॉमेटिक नहीं है. बात ऐसी होती है सपना, अधिकतर समय 100 में से 99 बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति ये रिश्ते का अनड्यू एडवांटेज ले रहा है, और वो लेते जा रहा है, और वो लेते जा रहा है, एंड ही इज टेकिंग द अदर पर्सन फॉर ग्रेट, एंड दिस पर्सन इज डेवलपिंग अ मेंटेलिटी ऑफ एंटाइटलमेंट, आई एम एंटाइटल टू बाय माय पोजीशन, बाय माय व्हाटएवर व्हाटएवर प्रिविलेजेस, मेरा सोशल स्टेटस या स्टीरियोटाइप रोल स्टीरियोटाइप, ये मेरा एंटाइटलमेंट है. ऐसा एंटाइटलमेंट मानने वाला व्यक्ति जो होता है वो जनरली ही इज अ किलर ऑफ दिस रिलेशनशिप, मतलब वो इसको मारने की कोशिश कर रहा है, पर जबकि ये व्यक्ति उस मारने की कोशिश मानता नहीं, तो ये व्यक्ति डिनायल में भी होता है. तो ही इज इन टू द डिनायल, ही इज अ स्टेट ऑफ एंटाइटलमेंट, ही इज अ प्रोसिक्यूटर इन दिस रिलेशनशिप, एंड द अदर पर्सन हु इज एट द अदर एंड इज अ विक्टिम, हेल्पलेस, गेटिंग ड्रैग्ड, गेटिंग ब्रूइज्ड. और अभी क्या होता है, जब ये ब्रूज्ड व्यक्ति जब बोलता है कि बॉस यू आर कॉजिंग मी पेन, द अदर व्यक्ति, द अदर पर्सन सेज ही इज अ बेनिफिशियरी, सो अदर व्यक्ति सेज इफ यू डोंट लाइक जस्ट मूव अवे, मतलब मेकिंग द अदर पर्सन हेल्पलेस, दैट पर्सन. लेकिन सर आपने जो ये इक्वेशन बताया, इसमें अक्सर मैंने ये देखा है कि जो पर्सिक्यूटर भी है, हु इज परहैप्स द मेजर रीजन ऑफ कॉजिंग प्रॉब्लम इन द रिलेशनशिप, ये भी somehow breakup चाहता नहीं है, because he feels this is the right form of relationship. ये बढ़िया चल रहा है, सपना बहुत अच्छा चल रहा है. सपना मेरा ऐसा सोचना है कि ये breakup चाहता नहीं है इसे, इसको पता है कि breakup होगा नहीं, क्योंकि ये जो दूसरा व्यक्ति है, he is clinging to the relationship. मतलब the generally those people who are persecutor know they take advantage of the other's weakness. Though they are not strong. They are not strong, but they are exploiting the weakness of other. And what is the weakness of other? The weakness of other is the goodness of other. मतलब उसकी जो अच्छाई है, उसकी जो समाज के प्रति सेंसिटिविटी है, उसने के रोल के दायित्व के प्रति एक जो सिंसियरिटी है, इसको ये व्यक्ति वीकनेस मानने लग जाता है. और ये टेकन फॉर ग्रांटेड और एंटरटेनमेंट वाला व्यक्ति इस रिश्ते को मान के चलता है कि ये दूसरे व्यक्ति को ढोना है, और वो ढोने की जिम्मेदारी इसके ऊपर रख दी है,
और वो अगर जब धोने से इनकार करता है तो ये प्रोसिक्यूटर व्यक्ति विक्टिम प्ले करता है, कहता है तेरे कारण ये सब हो रहा है। मतलब ये प्रोसिक्यूटर व्यक्ति की खासियत भी ऐसी होती है, सपना आपने भी ऐसे रिश्ते देखे होंगे कि ही वुड ब्लेम द पर्सन हु हैज ऑलरेडी सफर्ड अ लॉट फॉर नॉट मेंटेनिंग अ रिलेशनशिप और फॉर टेकिंग हिम टू द ब्रिंक, आपने मेरे अंदर का शैतान जगा दिया। ऐसा बोलने वाला व्यक्ति मेरे लिए बड़ा हाइपोक्रेट होता है। मैंने ऐसे कई रिश्ते देखा है जहां पे ये व्यक्ति सर ब्रेकअप के और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, दिस इज अ कॉमन डायनामिक दैट वी सी, बट देयर आर अदर एस्पेक्ट्स आल्सो ऑफ इट आल्सो। जैसे अगर एक एक शादी के ब्रेकअप में कई बार एक तीसरे व्यक्ति का एंगल होता है, दिस तीसरा व्यक्ति कैन बी द इन-लॉज आल्सो, दिस तीसरा व्यक्ति कैन बी एन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप आल्सो। बट एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप अगर एक व्यक्ति का है तो हम समझ सकते हैं कि दैट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकअप ऑफ द मैरिज, बट अगर इन लॉज है, थर्ड पार्टी है ऑल टुगेदर। मतलब मैं ऐसे केसेस देख रही हूँ जहां पर हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन जहां तीसरे पार्टी का इन्वॉल्वमेंट आता है वो इतना बढ़ जाता है कि दे हैव टू सेपरेट। सो दैट इज वन एंगल ऑफ द मैरिज ऑल्सो, कि दोनों की भी शायद बहुत बड़ी गलती ना हो। They might not be taking the responsibility, but maybe they are not the persecutors also, or they are not also the party to be blamed in the whole thing. उसके बाद में मैंने सर देखा है कि cheating is today again a today very very big reason for breakups. मुझे लगता है ये हम किसी और session में detail में इसको deal करेंगे, क्योंकि आज हम basically उस pain को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक मुझे ये बातों पे कहना है, आपने कहा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और द इंटरफेरेंस ऑफ इनलॉज, अभी इसमें मैंने जो अपने थेरापेटिक सेशंस में समझा है, क्योंकि बहुत सारी केसेस मैंने देखी है ऐसे, इसमें तो जहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात आती है ना, जो भी कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है जनरली उसका जस्टिफिकेशन मैंने जो देखा है वो है कि हमारा ऐसा कुछ नहीं है और मैं मेरा कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ, तो इसकी प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ दिस माय स्पाउस दैट आई एम एंजॉयिंग अ बिट विदाउट कॉजिंग एनी डिस्कम्फर्ट और कॉम्प्रोमाइज विद द स्पाउस, और ये बहुत सिंसियरली बोलता है वो, और उसको वो एंटाइटलमेंट मेंटेलिटी रहती है कि आई एम एंटाइटल्ड टू टिल द टाइम आई एम डूइंग माय जॉब, और उसको लगता है ये मेरी ऑटोनॉमी और पर्सनल स्पेस भी है, ये मेरे में इंट्रूड क्यों कर रहा है या कर रही है। ऐसे लॉजिक मैंने बहुत बार देखा है, और उसमें यही होता है कि ये मुझे समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने ऐसे भी कई लोग देखे कि ऐसे तो सब लोग ही करते हैं, मैं कौन सा अकेला कर रहा हूं, और दुनिया को ये चाल इसको ये पुराने क्या सोच की है या सोच का है जो भी है, मतलब यू जस्ट मेक एन एलिगेशन ऑफ दैट अदर पर्सन बीइंग आउटडेटेड और नॉट बीइंग प्रोग्रेसिव और कंजर्वेटिव और ओवरबेयरिंग, इस तरीके से आरोप भी करते हैं। ये हुआ रिलेशनशिप एक्स्ट्रा मैरिटल। और जो इनलॉज की बात आती है ना, तो जनरली ये तो मेल ही होते हैं जो इनलॉज के इंटरफेरेंस को अलाउ करते हैं, और उनका लॉजिक जो होता है सपना, अक्सर मैंने जो देखा है कि आई एम एसोसिएटेड विद माय पेरेंट्स लास्ट 35 इयर्स एंड नाउ शी हैज कम इनटू माय लाइफ लास्ट 7 इयर्स, एंड हाउ डू आई डिनाउंस माय पेरेंट्स हु हैव ब्रॉट मी टू दिस। इज अदर वे राउंड आल्सो ट्रू टुडे, द इंटरफेरेंस ऑफ द गर्ल्स पेरेंट्स is also very much on the rise, क्योंकि आजकल generally शादी के समय ही ये तय होता है या एक decision होता है कि in-laws के साथ में नहीं रहेंगे, मतलब लड़के के parents के साथ में नहीं रहेंगे। तो कई बार ये देखा गया कि लड़के के parents का interference कम हो जाता है तो लड़की के parents का interference बढ़ जाता है। तो basically what we are लड़कों के parents का interference physical space में होता है, और लड़की के parents का interference ये mobile से होता है कि दिन में एक घंटा लड़की मोबाइल पे बात करती है, तो वर्चुअली उसका इंटरफेरेंस होता है, रियली नहीं होता है। और ये लड़की कहती है कि मैंने एक घंटा बात किया तो क्या कि आप तो बिजी रहते हैं, आप तो ये काम करते वो काम, तो तुम जो कह रहे हो बिल्कुल सही बात है सपना, दोनों तरफ से हो रहा है। बेसिकली देयर कैन बी मेनी डिफरेंट रीजंस ऑफ ब्रेकअप। मतलब मुझे लगता है कि आज हम रिलेशनशिप के इंट्रिकेसीज में नहीं जाएंगे, बिकॉज अवर टॉपिक इज मेनली टू अंडरस्टैंड पेन, पेन को कैसे हमको सस्टेन करना है, कैसे समझना है, उस पेन को समझना जरूरी है। क्योंकि अक्सर जब ब्रेकअप होता है तो कई बार मैंने सर ये भी देखा है कि जो ब्रेकअप करने वाला व्यक्ति है वो भी, उसको भी पेन होता है, ऐसा नहीं है कि उसको पेन नहीं होता है। और कई बार ये होता है कि मैंने एक बार ब्रेकअप कर दिया लेकिन मुझे अब वो व्यक्ति वापस चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति मुझे वापस नहीं ले रहा है अपने लाइफ में,
तो ये इधर वे इट इज ट्रू, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ने ब्रेकअप कर दिया तो दूसरा ही केवल सफर करेगा. आई हैव सीन दैट. तो मुझे क्या लगता है सर कि ये जो मैरिज में परहैप्स ब्रेकअप हैपेंस आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम बिकॉज यू आर इन अ कमिटेड रिलेशनशिप, फॉर्मलाइज रिलेशनशिप, तो इतना आसानी से ब्रेकअप नहीं होता. तो जब तक वो ब्रेकअप तक पहुंचते हैं जनरली दे आर क्वाइट क्लियर कि हम अब साथ में नहीं रह सकते क्योंकि उसको समय लगता है. अनफॉर्चुनेटली आज मैं जो यंग रिलेशनशिप्स देख रही हूँ वो ब्रेकअप्स भी उतने ही फास्ट होते हैं जितने फास्ट रिलेशनशिप शुरू होता है. एंड देन देर आर लॉट्स ऑफ सूडो ब्रेकअप्स ऑल्सो कि मैंने ब्रेकअप कर लिया लेकिन क्या हो गया था, कल ब्रेकअप कर दिया, आज तो मैं आ गई हूँ तो आज मैं क्यों मेरे बात नहीं क्यों मुझे अपने में नहीं ले रहे हो. सो वॉट एवर वेराइटी ऑफ ब्रेकअप बेसिकली पेन तो होता है. एंड वॉट आई मुझे कुछ, मैं जब छोटा था तब के किससे बताना है. मैं जब छोटा था ना तो जो लोग बैंडेज बांधते थे, पट्टी जख्म होती थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि हाथ को पट्टी होना चाहिए. तो मुझे कुछ भी नहीं लगा तो मैं अपना बैंडेड या कोई चिकट पट्टी उसको लगा के ऐसा दिखाता था मुझे वुंड हो गई है. पता नहीं क्यों, मैं तो मेरी छोटेपन की बातें बता रहा हूँ, बेवकूफी की बातें बता रहा हूँ. वैसे जो मैंने छोटे होते हुए जो बेवकूफी की थी आज मैं रिश्तों में देख रहा हूँ. बच्चों को अगर रिश्ते में नहीं है, इफ दे आर नॉट इन रिलेशनशिप दे हैव वन प्रॉब्लम, एंड व्हेन दे सी लॉट ऑफ थिंग्स आर ब्रेकिंग अप दे वांट टू हैव द ब्रेकअप आल्सो, एंड देन दे वुड ब्रेक अप एंड आफ्टर टू डेज दे विल अगेन वो पट्टी बताने वाली बात. मतलब दे वांट टू एंजॉय दैट पेन आल्सो. जैसे मैंने कहा कि मैं जब छोटा था तो मुझे जख्म अच्छे लगते थे, मतलब जख्मी होना नहीं, दिखाने वाले जख्म कि मुझे पट्टी लगी है, ऐसे जख्म अच्छे लगते थे. मुझे नहीं पता इसको विकृति कहते हैं पर ये मेरे में ये बीमारी थी जब मैं छोटा था. सर ऐसे बहुत सारे बच्चों को होता है कि पट्टी लगा के दिखाना. बट सर मुझे यहाँ पर क्या लग रहा है कि नो वन डेलिबरेटली वॉन्ट्स पेन इन पर्टिकुलरली इन रिलेशनशिप, बट सिंस वी हैव नेवर बीन गाइडेड और ट्रेन्ड ऑन रिलेशनशिप्स हमारे एजुकेशन सिस्टम में या पेरेंटल सिस्टम में जहाँ पेरेंट्स हमको बड़ा करते हैं, रिलेशनशिप के बारे में कोई बात नहीं करता सर कि रिलेशनशिप कैसे होने चाहिए, रिलेशनशिप मैनेज कैसे होने चाहिए. और बेसिकली आज की जनरेशन में ये हो रहा है कि सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट, चेंज, ये सारे फैक्टर्स क्योंकि एक नॉर्मल हाउस होल्ड में पार्ट नहीं है, तो जब वो रिलेशनशिप में करने पड़ रहे हैं तो बहुत जल्दी उसमें से लोग या ऊब जाते हैं या परेशान हो जाते हैं एक दूसरे से क्योंकि कमिटमेंट का बर्डन नहीं लेना चाहते हैं. सो वॉट एवर रीजन दे वॉन्ट टू रन अवे फ्रॉम इट. बट जो उस रिश्ते का एक अच्छा अच्छा पार्ट होता है, एक नाइस फीलिंग, द बटरफ्लाइज इन द स्टमक एंड देन टॉकिंग टू ईच अदर, रात रात भर देर देर तक बात करना, ये जो अच्छा पार्ट होता है वो उनको तब भी चाहिए होता है जब ब्रेकअप हो जाता है. और अक्सर ये देखा गया है कि सो आई वुड लाइक टू पुट इट दिस वे कि जो ब्रेकअप हो रहा है किसी जिस किसी के भी साथ में, इस ब्रेकअप अ बैड थिंग एसेंशियली, क्योंकि वो ब्रेकअप उससे बहुत पेन हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, कोई मुझे समझ नहीं पा रहा है, तुमको नहीं समझेगा मेरी तकलीफ क्या है. माय क्वेश्चन टुडे इज दैट आई थिंक वी नीड टू टॉक अबाउट दिस, इज ब्रेकअप रियली बैड आल्सो, आपको क्या लगता है? ब्रेकअप्स आर नॉट गुड, ब्रेकअप्स आर नॉट बैड, दे आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ योर इंटरेक्शंस व्हेन यू आर नॉट इक्विप्ड एंड लर्नड हाउ टू इंटरेक्ट. तुमने कहा सपना कि सैक्रिफाइस कॉम्प्रोमाइज करना नहीं आता है. मैं देखता हूँ रिश्तों में बच्चे इतने सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि लगते हैं इतने सैक्रिफाइस कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहे हैं, थोड़ा असर्टिवनेस भी होना चाहिए. अच्छा मैं सैक्रिफाइस कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ वहां तक तो ठीक है, नाउ आई वॉन्ट अदर टू सैक्रिफाइस एंड कॉम्प्रोमाइज फॉर मी. मतलब मेरी भाषा उसको समझ में आ जाए, अगर मैं इतना सैक्रिफाइस कर रहा हूँ तो उसने भी उतना सैक्रिफाइस करना चाहिए. तो ये तरीके के भी रिश्ते मैंने देखे हैं. और the breakup in relationship is not about the choice, it is about the essential outcome of your failed interaction. Hum pariksha mein acche ank lena hai sapna to mehnat karte hain, business mein munafa kamana hai to mehnat karte hain, naukri mein tarakki karni hai to mehnat karte hain, aur rishton mein agar anand lena hai to mehnat karni chahiye. To mehnat ka matlab ye nahi hai ki main jo kahu sach hai aur tum jo kaho galat hai, aur main tumhari care isliye karta hu ki tumko main bahar nahi jaane de raha hu, tumhare pichhu pichhu ghum raha hu, tumko jo chahe wo laake de raha hu, ye isko mehnat nahi karte hain. Mehnat usko kehte hain ki wo vyakti kya chahta hai, what are his sensitivity. Rishton mein sensitivity ka khayal rakhna, har vyakti ki apni ek sensitivity hoti hai, apne expectations hote hain, apni limitations hoti hai.
तो एक्सपेक्टेशंस और लिमिटेशंस और सेंसिटिविटी, इसका अभ्यास करने का, पढ़ाई करने का कोई हमारे पास सोर्स स्रोत नहीं है। और ये अच्छा, हर एक की सेंसिटिविटी अलग होती है। मेरे जिंदगी में चार व्यक्ति आ जाए, चारों अहम रहे, तो जरूरी नहीं कि सबकी सेंसिटिविटी एक जैसे हो। हर एक की अपनी सेंसिटिविटी है, हर एक की अपनी एक्सपेक्टेशन है और हर एक की अपनी लिमिटेशन है। अभी ये व्यक्ति विशेष, ये व्यक्ति सापेक्ष, ये पर्सन स्पेसिफिक लर्निंग हमें करना होता है। सही में देखा जाए तो मैं अध्यात्म की दृष्टि से फिर से बात करता हूँ कि ऑल रिलेशनशिप्स इन माय लाइफ आर ओनली गोइंग टू शो द रिफ्लेक्शन ऑफ माय लिमिटेशंस, मतलब मेरी मर्यादा को प्रकट करने का है। एंड एवरी टाइम आई हैव अ पेन, देयर इज अ लेसन एज टू व्हाट आई डिड फेल इन लर्निंग, मतलब मैंने, और पेन तो आना ही है सपना। अगर कोई कहता है मुझे रिश्तों में पेन नहीं है, एक तो वो व्यक्ति इनसेन है या इनसेंसिटिव है या बेवकूफ है या ही इज बरीड इज हेड इनटू द स्टैंड, ही इज नॉट सीइंग द ट्रुथ एज इट इज। पेन इज ए एसेंशियल पार्ट, और रिश्ते बनेंगे तो रिश्ते टूटेंगे। तो टूटना बुरी बात नहीं है, पर टूटने की वजह सही हो, टूटने का कारण सही हो, टूटने के लिए हमारी तैयारी हो, और टूटने के बाद, मतलब टूटने के लिए कोशिश हो, टूटने के बाद बाहर निकलने की क्षमता हो। तो ऐसे समय रिश्ते टूटने की संभावना कैसे होता है सपना, कि अगर मैं सक्षम हूं ना तो मेरे पे कोई हमला करे, ये संभावना कम है। तो वैसे ही एक कहावत है, कि कहावत ऐसे कहती है कि जो तूफान में झाड़ हिलता है तो पक्षी झाड़ के हिलने से डरता नहीं है, इससे नहीं कि वो झाड़ गिरेगा या नहीं गिरेगा, इससे कि वो अपने पंखों पर विश्वास रखता है। जब रिश्तों में हम अपने खुद की कोर पे विश्वास रखते हैं तो हमें झाड़ टूटने गिरने का डर नहीं होता है, ना हिलने से हम भयभीत हो जाते हैं। रिश्ते भी ऐसे कभी कभी हिलते हैं तूफान में, कुछ तूफान जिंदगी में आ जाता है, कभी गलत फहमियों से या कभी एग्रेशन से या कभी अपने कमजोरी से आ जाता है तूफान। और रिश्तों में तूफान आना रिश्तों को क्या परखता है, एडवर्सिटी ओनली टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप। तो ये एडवर्सिटी तो आएगी, और जो अपने पंखों पर विश्वास नहीं करते वो फिर दोष देने लग जाते हैं, वो दुख दर्द की तरफ चल पड़ते हैं। सर मुझे ऐसा मेरा सोचना है, मुझे ये लगता है कि हम रिलेशनशिप में क्यों हैं, हमको जब यही नहीं पता होता है तो हम ब्रेकअप क्यों कर रहे हैं, शायद हमको इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन होता है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जो रिलेशनशिप्स बनते हैं वो बहुत शॉर्ट इंटरेक्शंस पे बनते हैं। आपको सामने वाले की कोई एक या दो चीज पसंद आ जाती है and then you expect that person is the right person, and then you feel that the person should be the right person. Not only that is the right person, that person should be the right person. ये एक पार्ट हो गया कि मुझे नहीं पता सामने वाले के बारे में। लेकिन सर उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं शायद अपने आप को भी नहीं जानती हूँ किसी और के साथ में रिलेशनशिप में आने के पहले। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो कि मुझे लाइफ से चाहिए क्या, मुझे रिलेशनशिप से क्या चाहिए और मुझे अपने आप से क्या चाहिए। Three things: what do I want from myself, what do I want from life, and what do I want from this partner, in whatever capacity this partner is there in my life. Chahe wo friend ho, chahe husband ho, chahe boyfriend ho, girlfriend ho, wife ho, koi bhi ho, kisi bhi relationship mein bhi, main agar apne aap ko janti hi nahi hu, to I feel that relationship right then at the first step itself is it's on the wrong grounds altogether. Aur fir ye hota hai ki मैं चाहती हूँ कि मेरे एक्सपेक्टेशंस वो पूरा करे, एट द सेम टाइम वो चाहता है कि उसके एक्सपेक्टेशंस मैं पूरी करूं। एंड व्हेन आई डोंट नो मायसेल्फ एट ऑल, आई डोंट नो व्हाट मेक्स मी हैप्पी, आई वांट हिम टू मेक मी हैप्पी एंड ही वांट्स मी टू मेक हिम हैप्पी, जबकि हमको दोनों को भी पता नहीं हम कर क्या रहे हैं। तो ये जो चीज है, इन कॉम्बिनेशन विथ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट आजकल सर जो हम बात कर रहे थे पहले भी सेशन में, इंडिविजुअलाइजेशन हो गया है बहुत। थिंक अबाउट योर सेल्फ इज वॉट इज टॉट फ्रॉम राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड। कि जनरली घरों में यह होता है कि बच्चा किसी को कुछ देना भी चाहता है तो पहले पेरेंट्स उसको ये बताते हैं कि अपने अपने आप को देखो पहले, अपने लिए रखो पहले, यू डोंट नीड टू गिव टू एनी वन। तो ये जो चीज है इंडिविजुअलाइजेशन, ये जब हम रिलेशनशिप में भी आते हैं ना सर, तो मुझे क्या लगता है कि जो एक इनिशियल वो एक पीरियड होता है अट्रैक्शन वाला, कि मैं इसके लिए जान भी देने को तैयार हूं, वो वाला जो पीरियड होता है, वो पीरियड निकल जाने के बाद में देन आई बिलीव वी बोथ ग्रेविटेड डाउन टू माय सेंसिटिविटी टुवर्ड्स माय सेल्फ,
मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, मैं सुबह नहीं उठ सकता, मैं रात को नहीं जल्दी सो सकता, मैं खाना नहीं बना सकता, मैं. सो द सेंसिटिविटी इज ग्रेविटेड टुवर्ड्स सेल्फ आफ्टर सर्टन टाइम, जब वो एक इनिशियल वो निकल जाता है उसके बाद में. एंड दैट इज व्हेन रिलेशनशिप्स स्टार्ट हेडिंग टुवर्ड्स ब्रेकअप, दे स्टार्ट हेडिंग टुवर्ड्स ब्रेकअप. उसके आगे हम उसको कैसे रोकते हैं या रिएक्ट कैसे करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा हाउ इट मूव्स फर्दर. सपना, आदमी की मौत इसलिए होती है कि वो पैदा हुआ, डाइवोर्स इसलिए हुआ कि शादी हुआ, और ब्रेकअप इसलिए हुआ कि वो रिलेशनशिप में आया. तो जब रिलेशनशिप में हम चले गए तभी से टूटने की शुरुआत हो गई है. जब मैं पैदा हुआ तो मेरी मृत्यु की ओर मैं चल पड़ा हूँ, वो तो बात बड़ी नहीं लग रही है. पर तुमने जो कहा कि ये जो रिश्ते तुरंत हो जाते हैं, उनका एसोसिएशन एक्वेटेंस कम होता है तो थोड़ा समय हो, मैंने ऐसे भी केसेस देखे है सपना की जिनकी एक्वेटेंस बहुत कम है और उनके सक्सेसफुल रिलेशनशिप हो गए, और जिनका लंबा एक्विटेंस पीरियड था, 3-4 साल लिविन में रहे, बाद में शादी की, फिर भी डाइवोर्स हो गए 1 साल में, ऐसे भी किससे जानता हूँ. तो मुझे नहीं लगता कि लेंथ ऑफ एक्विटेंस इज गोइंग टू क्रिएट क्या को इनसाइट इनटू हाउ टू मेंटेन रिलेशनशिप. जैसा कि हमने कहा ना कि जब हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो व्हाट रियली कन्फ्रंट्स अस इज द अदर साइड ऑफ द पर्सन. मतलब हम जब तक रिलेशनशिप में नहीं है तब वी गेट पैशनेट अबाउट ऑल द पॉजिटिव एंड क्या वो ग्लोरियस पार्ट ऑफ हिज पर्सनालिटी. जब वो उसके साथ चले जाते हैं तो हमें उसका अदर साइड भी दिखने लग जाता है. और मैंने आजकल की तारीख की बात कर रहा हूँ कि आजकल के अधिकतर बच्चे सिंगल चाइल्ड है, तो घर में उनको इंटरेक्ट कैसे करना, रिलेशनशिप मतलब भाई भाई का रिलेशनशिप भी, भाई बहनों का, बहनों बहनों का रिलेशनशिप, ये घर में भी कम ही दिखता है. ज्वाइंट फैमिली पहले ही टूट चुकी है इसलिए ग्रैंड पेरेंट्स मतलब अर्लियर जनरेशन का भी इंटरेक्शन कम हो गया है, तो उनका इंटरेक्शन का अनुभव भी बहुत कम है. एक ये हो गया. दूसरा, जैसा तुमने कहा इंडिविजुअलिटी की बात हम कर रहे हैं ना, तो आजकल हम व्यवहार देखते हैं कि मुझे क्या फायदा, तेरे को क्या फायदा, मतलब इट इज लाइक ए कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप कि व्हाट आई नीड फ्रॉम द रिलेशनशिप, व्हाट आई कैन ऑफर इन द रिलेशनशिप, व्हाट डू यू नीड इन द रिलेशनशिप, व्हाट यू कैन ऑफर इन द रिलेशनशिप. इट इज मोर ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट एंड अ ट्रांजेक्शन. आई बिलीव द रिलेशनशिप हैज टू गो बियॉन्ड दिस ट्रांजेक्शन. मतलब रिश्ता तो बन जाता है. मेरी एक अपनी सोच है सपना, मैं गलत हो सकता हूँ, कि अगर मैंने तय कर लिया है कि रिश्ते को मैं टूटने नहीं दूंगा तो नहीं टूटेगा, और अगर मैंने तय कर लिया है कि रिश्ते को तोड़ना है, वो बंदा कितना भी अच्छा रहे मैं उसको तोड़ के रहूंगा. ये कभी कभी हम जिसको हेकड़ी कहते हैं या उसको एरोगेंस कहते हैं या जिसकी शुरुआत ईगो से होती है, जहां पे ईगो आ गया ब्रेकिंग की शुरुआत हो गई, ऐसा मैं मानता हूँ. तो दो जगह से शुरुआत होती है, एक क्योंकि रिलेशनशिप में आ गए तो ब्रेकअप की तरफ चल रहे हो, पैदा हो गए करके मरने की तरफ चल रहे हो, एक. दूसरा, जहां पे आपने ईगो को इंटरफेयर करने लग दिया तो उसको आप एग्रेवेट और फासन करने वाले हो. ये मेरी समझ है इसके बारे में. सो सर, इससे देखिए फैक्टर्स, फिर से देयर आर टू मेनी फैक्टर्स व्हिच कैन वर्क एंड व्हिच कैन बी वेरिएबल्स इन ईच एंड एवरी केस. पेन की वजह क्या होती है, ब्रेकअप की वजह कुछ भी हो, पेन की वजह क्या होती है, ये इसके ऊपर आज हम समझने की कोशिश करेंगे. तो शायद हम शायद मुझे कुछ कहना है. हाँ सर, मुझे कुछ कहना है. जी सर. ये अंधकार क्या है, व्हाट इज डार्कनेस? डार्कनेस इज द एब्सेंस ऑफ लाइट. एंड व्हाट इज लाइट? लाइट इज द एब्सेंस ऑफ डार्कनेस. सिमिलरली व्हाट इज पेन? पेन इज द एब्सेंस ऑफ प्लेजर. एंड व्हाट इज प्लेजर? प्लेजर इज अ रिलीफ फ्रॉम पेन, ऐसा मैं मानता हूँ. सो प्लेजर एंड पेन आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. If you are seeking pleasure, you cannot have a coin with pleasure on both the side. Head वाला coin जो था वो सिर्फ शोले में अमिताभ बच्चन के पास था, बाकी सबके पास एक head एक tail वाला coin है, और जो ऐसा बीच में खड़ा भी नहीं होता. Either it will be on the pleasure or it will be on the pain. And every day you have to toss the coin. Yes. And when you toss the coin, you have to pray. Pray in the sense, prayer is the reinforcement you give into the relationship. तो हर दिन हमें एक विश्वास जगाना है रिश्ते में, और जितना विश्वास जगाएंगे उतना कॉइन प्लेजर लोडेड रहेगा, और जितना डर और असुरक्षितता जगाएंगे उतना कॉइन क्या बोलेंगे उसको, पेन ओरिएंटेड हो जाएगा. तो प्लेजर और पेन ये तो आते रहेंगे, और एवरीडे देयर इज ए टॉस ऑफ कॉइन. एंड इंसिडेंटली द रिलेशनशिप व्हिच डोंट ब्रेक डजंट मीन देयर इज नो पेन. देयर इज अ पेन, बट देयर इज अ पेन टॉलरेंस ऑल्सो. तो पेन आई बिलीव इज अ एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अवर एग्जिस्टेंस इनटू द रिलेशनशिप. हर रिलेशनशिप में पेन होता है,
The issue is I speak of the pain when it is not tolerable to me. Matlab, my pain tolerance, my pain endurance has gone down. It means that my expectations are higher than my contribution to the relationship or maybe his contribution to the relationship. जब मुझे ऐसा होता है तो वो पेन का कारण बनता है. तो अगर तुम मुझे पेन का कारण पूछोगे, what is the cause of pain? I would say the expectations, unreasonable overbearing approach or attitude in the relationship could cause pain. तो सर इसको मैं थोड़ा प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करती हूँ. बिल्कुल करो. ये हम रियल लाइफ में देख क्या रहे हैं इसको कि पेन हो क्यों रहा है. तो एक्सपेक्टेशन की जहां तक बात आती है, एक यंग रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ. एक यंग रिलेशनशिप जहां पर हमको ये आदत हो जाती है. नाउ वी टॉकिंग अबाउट हैबिट, द इफेक्ट ऑफ हैबिट ऑन पेन, ऑन ब्रेकअप एंड पेन. तो जो आदत हो जाती है कि स्पेशली आज फोन की वजह से कि सुबह उठ के गुड मॉर्निंग जानू से लेकर जो शुरू होता है, तो ब्रेकफास्ट किया तुमने, लंच क्या किया और कपड़े आज कौन से पहने हैं, वो ब्लू कलर की शर्ट क्यों नहीं पहनी तुमने, से लेकर अच्छा फिर अभी क्या कर रहे हो, आज बहुत काम है क्या ऑफिस में. ये जो कंटिन्यूअस कनेक्शन होता है, ये इसकी आदत हो जाती है सर, दैट आई हैव टू बी कनेक्टेड विद समवन एवरी मिनट, समवन अदर देन मी, समवन अदर देन मी. जो हमने बात की थी, हम अपने आप से तो वैसे ही कनेक्टेड नहीं है. Now I get used to being connected with someone other than me. उसके बाद में रात को देर तक फोन पे या मैसेजेस पे या फोन पर बात करना, अगेन बीइंग कनेक्टेड. जब तक आंख बंद नहीं हो जाती तब तक आई डू नॉट क्रिएट अ माय पर्सनल स्पेस एट ऑल. आई डोंट की लीव एनीथिंग फॉर माय पर्सनल स्पेस एट ऑल. एवरीथिंग इज दैट पर्सन ओरिएंटेड, एवरीथिंग 100% इज दैट पर्सन ओरिएंटेड. तो अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं भी होता है ना सर, पता है मुझे कि रिलेशनशिप ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी ब्रेकअप के बाद में बहुत तकलीफ होती है, बिकॉज दिस हैबिट ऑफ द एंटायर डे मेक्स मी फील दैट आई एम वेरी लोनली बिकॉज आई एम नॉट कनेक्टेड विद माई सेल्फ एट ऑल. वो जो चीज थी वो मैंने अपनी, तो एक्सपेक्टेशन जो आते हैं, ये हैबिट से जो एक्सपेक्टेशन आए हैं उसकी हम बात कर रहे हैं, पेन. दूसरा सर मेरा एक और ऑब्जर्वेशन है, मुझे ये लगता है कि जैसे आपने कहा कि रिलेशनशिप शुरू हुआ तो ब्रेकअप की तरफ तो बढ़ना ही बढ़ना है, हम बढ़ने देते हैं या नहीं हमारे हाथ में है. मुझे क्या लगता है सर कि एक तो ये पिक्चरों की वजह से, और दूसरा जो एक पुराने जनरेशन से हम लेकर आ रहे हैं एक हैप्पीली एवर आफ्टर वाला एक फील, हैप्पीली एवर आफ्टर वाला, इट्स अ क्या कहूँ, इट्स अ कॉन्सेप्ट हैप्पीली एवर आफ्टर वाला. आज प्रॉब्लम ये है सर, हर व्यक्ति ये सोचता है कि मेरा जो है ना वो मेरा वाला हैप्पीली एवर आफ्टर वाला होगा. लाइक आई एम सीइंग एवरी सेकंड रिलेशनशिप ब्रेकिंग अराउंड मी, बट मुझे लगता है मेरा वाला जो है ना वो हैप्पीली एवर आफ्टर वाला होगा. फिर एक्सपेक्टेशन की बात आ गई. हम ये नहीं समझ रहे हैं कि जो पुराने जमाने में हैप्पीली एवर आफ्टर दिखता था वो इसीलिए था बिकॉज कॉम्प्रोमाइज वॉज अ बिग फैक्टर इन दोज रिलेशनशिप्स, बिकॉज ब्रेकअप एंड डिवोर्स वॉज नॉट अ चॉइस ऑफ दैट सोसाइटी एट ऑल. So, एक बार शादी हो गई तुमको उसी व्यक्ति के साथ रहना है, भले एक दूसरे का सिर फोड़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. बट वी हैव जस्ट कैरीड इट फ्रॉम देयर. नाउ वी, दिस जनरेशन इज 100% इंडिपेंडेंट. हम प्यार करते हैं लेकिन हमको तुम्हारा सजेशन नहीं चाहिए, हमको तुम्हारा इंटरफेरेंस नहीं चाहिए. यू कैन नॉट टेल मी व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड फॉर मी, यू कैन नॉट डिसाइड एनीथिंग फॉर मी, यू कैन नॉट, पैसा तुम्हारा अलग रहेगा मेरा अलग रहेगा, हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे. सो ऑल दिस थिंग्स विच वर नॉट देयर इन द अर्लियर जनरेशन. सो विद इंडिविजुअलिटी, अब सर ऐसा हो रहा है कि दो इंडिविजुअल्स ही एक साथ आए हैं. इट इज बेसिकली टू एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट थिंकिंग फीलिंग पर्सनालिटीज हैव कम टुगेदर, और ये जब दोनों साथ में आए हुए हैं तो मुझे लगता है कि सर एक्चुअली देखा जाए तो ये दोनों इतने डाइवर्स हैं कि रिलेशनशिप चलने से ज्यादा ब्रेकअप के चांसेस ज्यादा है, चांसेस ब्रेकअप के ज्यादा है. सपना मुझे कुछ कहना है. हमने दो इंडिपेंडेंट लोगों की बात की, एंड लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय इंडिपेंडेंट. बेसिकली आवर डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इज अबाउट इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, सो दैट दे कैन प्रोवाइड फॉर देमसेल्व्स, दे कैन टेक केयर ऑफ देयर फिजिकल मटेरियल नीड्स इन दिस वर्ल्ड. बट देन द मैन इज इंटरडिपेंडेंट एंटिटी, मतलब मनुष्य ये समाजशील प्राणी कहते हैं ना, तो वी आर इंटरडिपेंडेंट है, हम परस्परावलंबी प्राणी है, एंड वी कैन नेवर बी इमोशनली इंडिपेंडेंट. एंड टू सीक दैट इमोशनल कोडिपेंडेंस और इंटरडिपेंडेंस वी क्रिएट रिलेशनशिप. सो बेसिकली क्रिएटिंग रिलेशनशिप कम्स फ्रॉम आवर लैक ऑफ इंडिपेंडेंस.
when I define independence, basically I am defining independence on financial economic terms, but on emotional terms, nobody is independent. That is how I look at the circumstances now. And since nobody is independent on the emotional psychological plane, we try to seek that codependence or interdependence through creating a relationship. And in this, I do not want to be seen as dependent. The point is, I believe I am independent because I am economically, financially independent. And I do not want to be seen as dependent. Now, this is my problem. This is my virus. I am neither independent, though even if I am financially independent, and I am not dependent, even if I am not contributing anything financially to the relationship. ये दो वायरस ने आज तक बहुत सत्यानाश कर दिया है. हमें कोडिपेंडेंस इंटरडिपेंडेंस कंसेप्ट को आगे लाएंगे तो शायद पेन और प्लेजर दोनों एंजॉय करने की क्षमता आएगी. जैसा हम खाने में सपना तीखा भी एंजॉय करते हैं, खट्टा भी करते हैं, मीठा भी करते हैं, ये अवर्शन फॉर पेन इटसेल्फ इज अ पेन. मतलब इट इज अ कॉज ऑफ पेन. आई वांट टू अवॉइड द पेन, एंड समबडी हु अवॉइड्स द पेन और हु वांट्स टू अवॉइड द पेन इज इनवाइटिंग द पेन. जरा मराठी में भीत्या पाटी ब्रह्म राक्षस, ये कहावत है कि जो डरता है ना उसी के पीछे राक्षस दौड़ता है. तो हमें पेन से डरना नहीं है, वो हमारे जिम्मेदारी का एहसास है. एक सैनिक सोल्जर होता है, वो गोलियों के क्या उससे उससे डरता नहीं है गोलियां लगने से. अगर वो डरे तो वो सैनिक को सिपाही ना बने. जब वो किसी को गोली मार सकता है तो उसको भी गोली लग सकती है. तो ऐसे ही व्हेन आई एम असर्टिव एंड आई कैन हर्ट अदर, समबडी कैन बी असर्टिव एंड ही कैन हर्ट मी, एंड इट्स फेयर टू गेट हर्ट. बट द इश्यू इज आई हैव टू ओवरकम द हर्ट, एंड हर्ट इज नॉट पेन. एग्जैक्टली, साइकोलॉजिकल हर्ट इज नॉट पेन. बट व्हेन आई टेक साइकोलॉजिकल हर्ट एज माय इंसल्ट, as my degradation, as my humiliation, I am causing a trauma, I am causing an emotional pain. And the pain is caused by my perception, by my interpretation. Hurts are inevitable part. जैसे हम फुटबॉल खेलेंगे, हॉकी खेलेंगे, कुछ ना कुछ जख्म होते हैं. कोई स्टिक मारेगा, कोई लात मारेगा. क्रिकेट में भी कोई किसी को बॉल लग जाएगा. The life is a game and there is all possibility of getting hurt. You have to use all the safety devices like the helmet and the kneecaps and whatever, elbow guards and whatever. But still the pain can come to you. And to be ready to receive pain is like ready to strengthen the relationship. This is why Sapna, I look at it. So I do not agree to the definition of independence, because relationship cannot be created by two independent individuals. They have to be codependent, they have to be interdependent. That is precisely why relationships are not working, because we are basically, most people are driven towards relationships by their initial feelings, which is independent, it is my feeling. It is not now associated with the other person, but and I take my this feeling into the other person's life, and I believe that this is something which should remain all my life. I am basically not taking into consideration the other person at all. That person would be would have. Sapna, isme game khelte hain. One person plays I am independent, and he makes other feel you are dependent. Dependent. And when other person accepts that I am dependent, the relationship is symbiotic, yes. Quote unquote. This is not symbiosis, huh? This is parasitic or exploitative. But then one person plays a role of independent in this relationship, and one person plays a role of dependence. This dependence is pseudo, and this independence is pseudo. And where is the pseudo involved into this relationship? There is a problem. It cannot last for very long. It cannot last. It might look not last. It might look that even if it lasts, it will be painful. It will be painful, Sapna, both of them. Yes. And so either way, if we are not into the relationship, understanding the one factor that you said, that it has to be symbiotic, it has to be, the relationship has to be, we are not independent, we need the other person. The need is not one way, need is of both the people. Now this is very important to understand. When we start feeling that I don't need, he is needy or she is needy, that's when the problem starts happening. But secondly, when I don't take into consideration the individual personality of the other person, who can be 100% different than me, 100% different than me. There's every possibility that that person is different. He, she wants everything different. He, she is looking for life absolutely in a different way. And then if we approach the relationship with it, let us try the relationship if it can work for us. Let us try the relationship. Let me understand that person. Instead of first getting into the relationship and making a commitment on day one, sir, in the Western countries, you know, there's a very interesting different change which I see.
difference which I'm seeing, which maybe our young generation has it also. Sir, first they only date. They don't get into relationships. So they date various people. There is no commitment at this stage. And dating is basically the stage of knowing initially if we have some compatibility or the other. So if I'm attracted to someone, rather than going and committing, I would prefer to date that person. That is the first step. Then afterwards, if they date for a long time, they date different people also, and then they realize, okay, this one person is really good for me, then they become exclusive. That is, they do not date other people. They start spending more time with each other. That is still not 100% commitment. They've just become exclusive. Interestingly, after they become exclusive for some time, they start living together. And when they start living together, that is when they really understand, would I like to spend the rest of my life with this person? Knowing all the goods, bads and everything about them. And that's when the actual marriage proposal happens at that particular stage. So you actually come to... you are given the recipe of a good relationship. Yeah. Because passion cannot be the beginning point of the relationship. The commitment is. Yes. Passion is external. Commitment is internal. Your intentions are associated in commitment. And wonderful recipe, Sapna. I appreciate commitment you cannot this. Be cannot and should not be made unless you know that person. Commitment should not be yes. made unless you know that person. Actually, you understand each other with the all the pluses and minuses. Then if you're still okay with each other, then you know that okay, I have to make these adjustments, he has to make this adjustment, and we are okay with it, the relationship is still worth it, then it makes sense in going ahead. But when I see the tendency of making a commitment right in the beginning, and that is, I think, a sure shot recipe of pain, because you're going to explore everything afterwards. And then uske baad mein aap aisa kaisa bol sakte ho ki wo to aisa nikla, are wo jaisa hai waise hi niklega. वो जैसा है वैसे ही निकलेगा. बट आपने उसके साथ अगर टाइम नहीं स्पेंड किया है तो आपको पता नहीं था. नाउ यू कैन नॉट ब्लेम दैट पर्सन, एंड देन यू कैन नॉट ब्लेम, और आई थिंक एट दैट स्टेज इवन क्राइंग फॉर पेन वुड बिकम अ बिग इश्यू इफ वी आर एट दिस इनिशियल स्टेज. वी हैव नॉट अंडरस्टूड ईच अदर एंड वी स्टिल एक्सपेक्ट दैट एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट, एंड दैट्स व्हेन इफ यू वांट टू सेपरेट, आई थिंक दैट्स व्हेन द पेन इज इवन मोर अनबियरेबल. जब हम एक दूसरे को जान लेंगे ठीक तरीके से, और फिर अगर हमको लगा कि हम एक साथ नहीं रह सकते और तब अलग हुए, तब मेरे ख्याल से पेन शायद इतना तकलीफ वाला नहीं होगा. सो नोइंग ईच अदर बिफोर एब्सोल्युटली मेकिंग कमिटमेंट्स इज वन थिंग. सेकेंडली, आज जो लोग पेन में हैं, हाउ कैन दे कम आउट ऑफ इट? मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक लास्ट 15 मिनट बचे, लेट्स सी इफ वी कैन टॉक अबाउट इट. देखो सपना, पेन तब कम होगा जब आई पर्सनली बिलीव एंड सिंसियरली बिलीव दैट आई डिड माय बेस्ट टू रिटेन द रिलेशनशिप. मतलब मैं रिश्ते को बरकरार रखने के लिए मेरी तरफ से पूरी कोशिश की. ऐसा जब मैं खुद को बता सकता हूँ तो पेन का जो इंटेंसिटी है वो रहेगा और वो उतना नहीं बाधा, मतलब मेरी ये सोच मुझे ये करेगी. एक दूसरा कि कभी कभी मुझे ऐसा भी देखना पड़ता है कि had I been in the relationship, what would मतलब see when the breakup is there is a pain in the relationship. Breakups don't happen when there is a pleasure in the relationship. So there is existing pain in the relationship, and there is now a breakup and there is a pain of breakup, because the pleasurable relationships don't break. Exactly. So there has to be the existing pain. So when you look at the pain which was there in. So basically, मैंने ये देखा हुआ है कि जब काउंसलिंग में आते हैं तो जब शुरुआत में ये होता है कि दे कम कि बहुत पेन हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, आई डोंट नो हाउ टू ओवरकम दिस एंड आई वुड लाइक टू गो बैक टू दैट पर्सन. पर जब हम बात करते हैं, सर अब मैं रिलेशनशिप के बारे में बात करना शुरू करती हूँ, तो धीरे 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 वो ही बताते हैं कि कितनी तकलीफ थी रिलेशनशिप में, हाउ दैट रिलेशनशिप वॉज नॉट कम्पैटिबल. दे नो इट, बट समहाउ कुछ समय बीतने के बाद में दे जस्ट रिमेम्बर द पेन पार्ट ऑफ इट, द हैबिट पार्ट ऑफ इट, एंड समहो दे ट्राई टू फॉरगेट दैट देयर वाज अ रियल इशू इन द रिलेशनशिप. तो मुझे लगता है सबसे पहले एक्सेप्टेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट वाज दिस वाज नॉट अ वर्केबल रिलेशनशिप. ये अगर मैं एक्सेप्ट करूं तो मुझे लगता है कि आई स्टार्ट वर्किंग ऑन द पेन माई सेल्फ. ये वर्केबल रिलेशनशिप नहीं था. It was good while it lasted for some time, but it was not a very workable relationship. So I think the first step is to accept
and it was not a good relationship. And then second step, मुझे लगता है सर कि जो आपने कहा कि we want a pain free life. If we can feel the pain and not try to escape from it, मुझे लगता है उसमें से हम जल्दी निकल के आ जाएंगे बाहर. Because nothing is permanent at all. It goes away. हर तरह का pain, मतलब आज जो जो लोग breakup के pain में हैं, अगर वो भी रुक कर सोचे तो इनके भी पास में किसी ना किसी चीज का दर्द उनको हुआ होगा, किसी भी चीज का होगा. कभी रिलेशन, कभी एग्जाम में फेल होने का दर्द होगा या किसी चीज का दर्द होगा. इफ दे कैन वेट एंड लुक बैक कि वो पेन भी चला गया था, उस समय आपको शायद ऐसा लगा होगा इतना तकलीफ हो रही मैंने शायद मर जाना चाहिए, बट देन टूडे दैट पेन डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल. सो कैन आई जस्ट लुक एट द पेन, बॉस है मुझे तकलीफ हो रही है, बट दैट रिलेशनशिप वॉज नॉट वर्थ इट. आई विल गो थ्रू दिस पेन फॉर सम टाइम एंड आई एम श्योर दैट आई विल कम आउट ऑफ इट. So basically, मुझे लगता है सर एक remembering why you broke up is a very important fact. जो कुछ दिन के बाद में थोड़ा faint होने लगता है, but मुझे लगता है कि हर बार अपने आप को याद दिलाना कि मैंने breakup किया क्यों था. अगर सब कुछ अच्छा था तो breakup करने की जरूरत मुझे क्यों पड़ी थी, breakup मैंने क्यों किया था. अगर मैं ही अपने आप को reminder देते रहूं तो मुझे लगता है आज जिनका breakup हुआ है वो शायद अगर उनको पॉसिबिलिटी हो तो अपने फोन के वॉलपेपर पर वो एक बना के रख दे फोटो, आई हैड अ ब्रेकअप बिकॉज दिस 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 वॉज माई प्रॉब्लम, या कमरे में लगा के रख दे चार जगह कि दिस वॉज द प्रॉब्लम विथ माई रिलेशनशिप एंड आई डू नॉट डिजर्व टू बी इन अ बैड रिलेशनशिप, या दैट आई डिजर्व टू बी रिस्पेक्टेड इन अ रिलेशनशिप, आई डिजर्व टू लिव विद डिग्निटी. इस तरह की चीजें अगर हम अपने आस पास लिख के रख दें तो मेरे ख्याल से दैट वुड बी अ गुड good reminder which can help to come out of the pain earlier. एक और स्टेज मुझे कुछ कहें सर. ये जब रिश्ता टूटता है पेन होता है, अक्सर हम जब पेन को सहन करने के लिए निकलते हैं तो बड़े पेन इनवाइट कर देते हैं. मतलब एक रिश्ते से टूटने से जो पेन हो रहा है उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए अगर मैं दूसरे रिश्ते में जाने की कोशिश करूं तो मैं जब पेन के साथ ही दूसरे रिश्ते की शुरुआत कर रहा हूं तो आई एम श्योर दैट आई एम सोइंग द सीड ऑफ अ लार्जर पेन देयर. दिस इज वन. सेकेंड, कई बार ये देखा है कि जिसके साथ रिश्ता टूट गया है और सर इंटरनेट की हाँ मुझे करने की कोशिश दिया. हाँ सर, आर यू देयर विथ मी? या सर थोड़ा सा रिपीट करेंगे फिर से, कुछ ब्रेकअप ब्रेक हो गया था बीच में. हाँ हाँ हाँ, तो मैंने कहा कि एक तो है कि अगर हम पेन को भरने के लिए दूसरे रिश्ते की तलाश में लग जाए, one breakup has happened so I am searching another relationship to fill this gap and vacuum, I am certainly sowing the seed of a larger pain. That is my one way of dealing with the pain. Second, ye jisse rishta toot gaya tha, jiska breakup ka pain main mehsoos kar raha hu ya kar rahi hu, I am undergoing that grief and pain, aur ye vyakti dobara aata hai 5-6 mahine baad ghum kar aur ek sambhavana banti hai, wo sorry keh deta hai, sambhavana banti hai ki abhi fir se rishta shuru ho jaye, aur I am in that mode of reconciling and forgiving without seeing the fact that person has not changed. Yes. Because he has his own limitations and his own now priorities or own whatever he has come back, I once again jump into the relationship, the same relationship. मतलब एक तो मैं दूसरी relationship ढूंढता हूँ या अभी ये pain मेरे को कम करने के लिए उसी relationship में मैं jump करता हूँ क्योंकि उसने initiative लिया. पर वो व्यक्ति बदला नहीं है तो once again I am going to have the larger pain. तो अभी हमें ये देखना है कि जब पेन को डील करना है तो पेन की जो वैक्यूम हो गई है, पेन की जो जख्म हो गई है, वो भरने के लिए दूसरा रिश्ता नहीं लाना चाहिए, ना उस रिश्ते को दोबारा इनवाइट करना चाहिए. अक्सर ये देखा गया है कि जो विक्टिम होता है इसमें का, उसमें एक सेंस ऑफ रिवेंज होता है, वेंजियंस होता है कि आई मस्ट मेक जस्टिस नाउ, आई मस्ट टीच हिम अ लेसन, और ये मेकिंग हिम फील दैट आई हैव टू टीच हिम अ लेसन, आई प्रिटेंड समथिंग. ये pretension जो होता है वो मुझे it kills me, it is a self-killing phenomena. I have not to prove to anybody that I am now पक्का हूँ, मैं मजबूत हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी के तरफ से फिलर भेज रहा हूँ, फीडबैक भेज रहा हूँ, तो ये करने की भी जरूरत नहीं है. इसमें हमें सिर्फ अपने जैसा कोई मरता है ना तो हम क्या करते, 13 दिन तक सुतक मनाते हैं.
13 दिन 13वीं करके मीठा खाना खा लेते हैं। वैसे ये रिश्ता मरने के बाद मैंने तय कर लेना कि कितने दिन इसका सूतक मनाने का है, 5 दिन 10 दिन, हम 13 दिन 14 दिन, 1 महीना 2 महीना, वो समय अपने इद्दत का समय है, समझ लीजिए। हाँ, वो इद्दत होता है मुस्लिम शब्द है, जिसमें वो डाइवोर्स के बाद वो अकेले रहती है व्यक्ति। बस ऐसे ही अकेले रहना, किसी को एंटरटेन नहीं करना और दुख में रहना, जैसा तुमने बताया। यही अकेले रहने का इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जो आप रिबाउंड रिलेशनशिप की बात कर रहे थे, वो रिबाउंड रिलेशनशिप होता ही इसलिए है कि आपको कंटिन्यूअसली किसी से बात करने की आदत हो गई है, तो आप किसी और से बात करने लगते हो, किसी और से बात करने लगते हो, वो क्योंकि आप इमोशनल स्टेट में हो और जो वो व्यक्ति आपको सपोर्ट दे रहा है, तो वही व्यक्ति हमको दुनिया का सबसे अच्छा लगने लगता है। एंड अनफॉर्चुनेटली आई थिंक इट इज मिसअंडरस्टूड एज लव, and like you said it is a sure shot recipe of getting into another pain in life, because you cannot have another good relationship on the shoulders of a one bad relationship, ye to nahi ho sakta. So agar सपना, एक बात है, तुमने जो कहा ना टाइम स्ट्रक्चरिंग, ये जो बातें करने का दिया था, ये इसलिए हो रहा है कि ये व्यक्ति एक व्यक्ति के साथ सिर्फ बात कर रहा, सिर्फ एक एक्सक्लूसिवली। अभी हमारी देखिए रिश्ते में तो तुम एक से रहो, पर मैन इज अ सोशल एनिमल, ही शुड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, भाई बहन हो, रिश्तेदार हो। और अगर मेरे पास मेरा एक सपोर्ट ग्रुप है, हर एक को चोट आने वाली है। देखिए वो रिश्ता तो टूट गया इसलिए गया, हो सकता है किसी की मौत हो जाए, वो चला जाए, फिर भी यही प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि फोन पे किससे बात करो, या उसका ट्रांसफर हो गया, कुछ उसके घर में कोई डिफिकल्टी आ गई, वो निकल गया किसी कारण से, जो भी कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, अरे कुछ हो सकता है। तो वेन आई एम डिपेंडिंग ऑन वन रिलेशनशिप टू मीट ऑल माई नीड्स, इमोशनल नीड्स, आई एम रियली क्रिएटिंग अ बिग प्रॉब्लम फॉर माई सेल्फ। तो भले ही रिश्ते में मैं एक से हूं, पर मुझे ऐसे दोस्त, ऐसे भाई, ऐसे गुरुजन, ऐसे संत, ऐसे व्यक्ति, ऐसा संपर्क हो जिनसे मैं बात करने में झिझक महसूस ना करूं, सर, मुझे जिनसे मैं लगता अपने है, दिल की बात खुलकर कह सकूं। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति जो रिलेशनशिप में है, ही और शी शुड हैव सेम सेक्स फ्रेंड्स, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर ये देखा गया है कि रिबाउंड रिलेशनशिप वो अपोजिट सेक्स वाले फ्रेंड के साथ ही होता है पहले। इट्स समवन हुज इन योर क्लोज सर्कल, जिससे आप दिल की बात खुलकर करते हो, उसी के साथ रिबाउंड रिलेशनशिप होता है ज्यादातर। क्योंकि शायद ये होता है कि आजकल जैसे लड़कियां कहती है कि इट्स इजियर टू बी फ्रेंड्स विद बॉयज, लड़कों के साथ में, लड़कियों के साथ में दोस्ती करना बहुत मुश्किल है, तो लड़कियां लड़कियों के दोस्त लड़के ज्यादा होते हैं। सो ब्रेकअप होने के बाद में आप दूसरे लड़के के साथ में जब उतना ही टाइम स्पेंड करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपको एक अट्रैक्शन फिर से हो जाता है। सो डेफिनेटली ऑल दीज आर श्योर शॉट रेसिपीज आर ऑफ पेन, एंड पेन, लाइक यू यूज्ड अ ब्यूटीफुल वर्ड सर, पेन का जो वैक्यूम होता है वो हमको थोड़ा इनटॉलरेबल होता है, क्योंकि हमको आदत नहीं है अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करने की। हमको कंटिन्यूअसली आदत है कि वी शुड बी इन रिलेशनशिप विद समवन ऑल द टाइम, या फोन पे या रियल लाइफ में। तो मुझे लगता है वो वैक्यूम की खूबसूरती अगर हम समझे कि आज मुझे मौका मिला है, मैं अपने आप को समझू, अपने आप से कनेक्ट करूं, अपने आप से इतनी खूबसूरत तरीके से कनेक्ट करूं कि मुझे खुद में से स्ट्रेंथ मिले, मैं किसी और से स्ट्रेंथ लेने का इंतजार ना करूं, तो वो अगर हम उस बबल में रह सके कुछ समय तक। एंड सेकेंडली आई थिंक सर, कीपिंग ऑक्यूपाइड। लोग जो कहते हैं कि उसको भूलना है भूलना है, मैं तो अक्सर कहती हूँ सर क्यों भूलना है, व्हाई डू यू वांट टू फॉरगेट समथिंग, मेमोरी है सर, मेमोरी जाती नहीं है। That is what I tell people. It's like, मैंने अगर आपसे कहा कि सफेद हाथी के बारे में मत सोचो, 100% आप सिर्फ सफेद हाथी के बारे में सोचने वाले। So the more you try to forget someone, the more that problem is going to be there. Instead, if you can occupy yourself with something different, any activity, चाहे आपको रीडिंग पसंद हो, चाहे आपको मूवीज देखना पसंद हो, चाहे आपको आर्ट क्राफ्ट पसंद हो, जो चीज आपको पसंद है उसको अगर आप ऑक्यूपाई करें, तो मैं अक्सर ये एग्जाम्पल देती हूँ सर कि एक पाइप है, और वो पाइप के अंदर सेंटर में कुछ फंस गया है, और ना आपका हाथ यहाँ से जाता है ना आपका हाथ यहाँ से जाता है, तो आप उसको निकालोगे कैसे। तो मुझे लगता है कि अगर हम इस पाइप में एक तरफ से कुछ और डालते जाए, बहुत सारा ठूसते जाए, तो धीरे 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 होके ये इस तरफ से चीज वो निकल जाएगी। तो अटका हुआ जो आपका एक है, उसमें अगर आप अलग अलग एक्टिविटीज ऐड करते जाओ उसमें, तो ऑटोमेटिकली समडे इट इज गोइंग टू कम आउट दैट योर व्हाट आई वुड से, जो 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 रुका हुआ है अंदर, कुछ फंसा हुआ है, वो निकल आएगा, समय लगेगा। एंड आई थिंक वी शुड नॉट फॉरगेट द पावर ऑफ टाइम। हर तरह के फीलिंग समय के साथ बदलते हैं,
हर तरह के फीलिंग्स, हर तरह के इमोशंस बदलते, तो दर्द भी बदलेगा. कैन वी कीप पेशेंस? क्यों हमको लगता है कि भैया हमको दर्द 5 मिनट भी नहीं चाहिए? लेट अस स्टे विद दैट. एंड समटाइम्स आई हैव माय पर्सनल एक्सपीरियंस सर, पेन कैन ब्रिंग अबाउट ब्यूटीफुल थिंग्स फ्रॉम इनसाइड. इट इज गॉट दैट पावर जो और कोई चीज नहीं कर सकता. वो दर्द आपके अंदर से इतनी खूबसूरत चीजें निकाल सकता है. जरूरत सिर्फ है कि उसको एक्सेप्ट करो. ठीक है, मेरा ही दर्द है. इफ आई वॉज इन लव आई शुड एक्सेप्ट, इफ आई वॉज एक्सेप्टिंग लव आई शुड एक्सेप्ट पेन ऑल्सो. वाई नॉट? सपना, मुझे लगता है कि ये जो, हाँ, ये जो रिश्ते जब ब्रेक होते हैं तो बेसिकली इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हैज कम टू एन एंड, एंड दैट एंड ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्रिएट्स अ हर्ट, द हर्ट क्रिएटेड बाय अदर. बट व्हेन द अदर इज हैज गिवन मी द हर्ट बाय रिजेक्शन, द प्रॉब्लम डजंट स्टॉप देयर. व्हाट हैपेंस इज दैट आई हर्ट माय सेल्फ. मतलब उसने मुझे हर्ट किया ये तो ठीक है, पर उसने मुझे हर्ट करने के बाद, उसने मुझे रिजेक्ट करने के बाद, आई एम नॉट वर्थी, आई एम नॉट गुड इनफ, आई परहैप्स डिजर्व दिस या आई डोंट डिजर्व दिस. दो में से एक होता है. मतलब आई डोंट डिजर्व में मेरा ईगो बड़ा हो जाता है, और आई डिजर्व दिस में मैं खुद को कंडेमनेशन करता हूँ तो मेरा एस्टीम कम हो जाता है. हायर ईगो और मेरा कॉन्फिडेंस या एस्टीम कम हो जाना दोनों ही निगेटिव है, और ये हम निगेटिविटी में चले जाते हैं. तो आई वॉन्ट यू, मतलब आई एम टॉकिंग टू द ऑडियंस नाउ, कि जब किसी के साथ रिश्ता टूट जाए तो दूसरों के साथ रिश्ता टूटा है, खुद के साथ रिश्ता ना टूटे. व्हेन इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप इज स्ट्रांग, व्हेन माय सेल्फ एस्टीम इज स्ट्रांग, माय इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, द ब्रेक इन इट डजंट रियली अफेक्ट मी दैट डीपर. आई एम वेयरिंग दैट कवच कुंडल. मतलब मेरा इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप स्ट्रांग हो तो मैं अकेले में एंड्योर कर पाऊंगा, नहीं तो मैं किसी को सब्स्टिट्यूट ढूंढूंगा. तो मुझे लगता है सपना कि अगर ब्रेकअप का पेन ओवरकम करना है तो इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप स्ट्रांग करना होगा, सेल्फ एस्टीम को मजबूत करना होगा. जो हर्ट बाहर से आया वो मुझे अंदर से रेजोनेट नहीं करना है. आई शुड नॉट हर्ट माई सेल्फ, आई शुड नॉट रिजेक्ट माई सेल्फ. दैट इज हाउ आई वुड रियली एडवाइस ऑन दिस मोमेंट. परफेक्ट, परफेक्ट. तो ये जो अगर आप अभी इस समय ब्रेकअप के पेन में से जा रहे हैं तो सच मानिए ये एक बहुत खूबसूरत समय है आपको अपने आप से कनेक्ट करने का, अपने आप से प्यार करने का, अपने आप को पहचानने का, जानने का. ये इससे अच्छा खूबसूरत समय शायद आपको कभी नहीं मिलेगा. सो इट इज अ पॉजिटिव थिंग. ट्रस्ट मी, जिंदगी में नेगेटिव कुछ नहीं होता है. कुछ समय बाद आपको लगेगा कि इससे खूबसूरत और कुछ भी नहीं था. सो विद दैट वी कम टू एंड ऑफ दिस सेशन, और एक और बेहतरीन सेशन आप लोगों के साथ में. जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, प्लीज अपने मैसेजेस भेजते रहिए, अपने सजेशंस भेजते रहिए. जब कोई बात बिगड़ जाए इस प्रोग्राम में, हम हर सैटरडे 5 o'clock आपके साथ में लाइव कुछ ना कुछ हमारे आपके जिंदगी के इश्यूज को लेकर, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर आपसे बात करते रहेंगे. तो हमारे साथ जुड़े रहिए नेक्स्ट सैटरडे 5 o'clock in the evening. बाय बाय.